हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें शुरू करेंगे हम आज आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, डैटर्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक छोटा टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डैटर्स मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक डाइपोल शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना, उसे कहते थे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की सेम वैल्यू, ठीक है, उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे ही यहां पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज अ पेयर ऑफ अनलाइक पोल्स ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल। मतलब एक साउथ एक नॉर्थ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों की ताकत सेम होनी चाहिए, और दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल लेते हैं, तो इसे कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की एनालॉजी है ये, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वही मैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिक डायपोल है कि नहीं। जो वहां पर नेगेटिव चार्ज रोल कर रहा था वही यहां पर रोल करेगा साउथ पोल, जो वहां पर पॉजिटिव चार्ज रोल कर रहा था वो यहां पर करेगा नॉर्थ पोल, है कि नहीं। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल का जो पेयर होगा ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा हुआ, एग्जाम्पल बार मैग्नेट, कंपास निडल, ये सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। आप ये बताओ कि मेरे पास है एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये आपका साउथ ये आपका नॉर्थ, तो जितनी ताकत इस साउथ की होगी उतनी ही ताकत इस नॉर्थ की होगी, है कि नहीं, ठीक है। तो और ये बताओ दोनों अनलाइक हैं तो इससे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। तो बार मैग्नेट इज एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल, है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही आपका कंपास निडल, ये कंपास निडल होता है आपका, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जितनी ताकत साउथ की उतनी ताकत नॉर्थ की, तो इसे भी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल, क्लियर। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लेके, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसे यहां होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो सिंपल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम, है कि नहीं। मतलब यहां पर जो दो पोल्स होंगे, ठीक है, उसमें से किसी एक का भी पोल स्ट्रेंथ ले लो इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो यहां पर देखो क्या बोला है मैंने, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर ऑफ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल को स्मॉल एम से शो करते हैं ना, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक लेंथ 12 ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो एक काम करो, ये देखो ये मैंने ले लिया आपका यहां पर एक बार मैग्नेट, अज्यूम कर लिया मैंने, इसकी स्ट्रेंथ मैंने एम मानी तो इसकी भी स्ट्रेंथ एम ही होगी ना, इक्वल पोल स्ट्रेंथ होते हैं मैग्नेटिक डायपोल में, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना 12, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, ठीक है, तो m इनटू 12, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देता क्या अपन को एक्चुअली में, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये है क्या, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। मतलब कोई भी मैग्नेटिक डायपोल की ताकत कितनी है
वो बताते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो कहां होता है डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर देखो, यहां पर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम वो होगा साउथ टू नॉर्थ, ऐसा होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका सिंपल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना। अब हम बात करेंगे उसकी यूनिट क्या होगी। तो आपको मालूम होगा कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, है ना। ये प्रीवियस टू प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर, और ये लेंथ है मतलब एक और मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर, चले तो अब इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे हम लोग। चलो अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस को लेके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या है यहां पर पहला एग्जांपल? देखो दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं, है कि नहीं? ठीक है, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होंगे। ठीक है, हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2, है ना। लेकिन उनका पोल स्ट्रेंथ का रेशियो कितना है? 1:2 है। ठीक है, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू द टू पोल्स। आपको यह बताना है कि कहां पर एक ऐसा यूनिट पोल रखें, ठीक है, जिसके ऊपर नेट फोर्स उन दोनों पोल की वजह से कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो फाइंड अ पोजिशन, ठीक है, वेयर यूनिट पोल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स फ्रॉम द टू पोल्स। ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से। यहां पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां पर ये मेरे पास एक पोल है, ये भी मेरे पास एक पोल है। सिमिलर पोल बोला है मतलब दोनों लाइक पोल्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं दोनों नॉर्थ नॉर्थ होंगे। अच्छा, इसका पोल स्ट्रेंथ और इसका पोल स्ट्रेंथ का रेशियो 1:2 है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ m1 मान लेते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं पोल स्ट्रेंथ को। ठीक है, ये हम 1x मान लें, क्या रेशियो दिया है ना अपन को, क्या गिवन है? m1:m2 कितना गिवन है? 1:2। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अगर m1:m2 दिया है 1:2, तो आपको मालूम है ना, ऐसा करते हैं m1=1x और m2=2x, है कि नहीं? रेशियो से अपन वैल्यू ले लेते हैं ना, अपन x लगा करके। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना, तो मैंने m1 को मान लिया 1x, तो m2 कितना होगा आपका? 2x होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब वो बोल रहा है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है भाई, 1 मीटर है। ठीक है, चलो अब यहां पर वो ये पूछता है कि कहां पर हम एक यूनिट पोल रखेंगे। ठीक है, यहां पर कहां पर हम यूनिट पोल रखें ताकि नेट फोर्स उस यूनिट पोल के ऊपर कितना हो? 0 हो। मतलब उस पोल के ऊपर इसका फोर्स और इसका फोर्स बैलेंस्ड हो जाए। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, इसकी ताकत ज्यादा है ना, इसकी ताकत कम है, तो वो जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो छोटे वाले के करीब आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर मान लेते हैं वो पोल होगा यूनिट पोल, तो यहां पर होगा वो यूनिट पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ एम मान लेते हैं, वो हम 1 बोलेंगे, यूनिट पोल है ना ये, तो उसका पोल स्ट्रेंथ 1 मान लिया मैंने, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज करो यहां से वो y है,
तो यहां से कितना होगा, 1 माइनस वाई होगा, यहां से y मीटर पे होगा तो ऑब्वियस ही बात है पूरा 1 है तो ये 1 माइनस वाई होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको नाम बोल रहा हूं मैं P, तो ऐसा बोलेंगे लेट एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम M1 नेट फोर्स एज जीरो, ठीक है? चलो तो एक काम करते हैं, मतलब इस पॉइंट पर, मतलब इस वाले पोल पे नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब ये जितना रिपेल कर रहा होगा उतना ही ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, मतलब इसका फोर्स इसके ऊपर और इसका फोर्स इसके ऊपर बराबर होगा ना। और ये बताओ फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है ना, ये मैंने बताया है आपको प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में इन द टॉपिक इंट्रोडक्शन, जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पर मैंने दो पोल्स के बीच का जो फोर्स कितना होता है उसका मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, ठीक है? तो वो क्या होता है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? दो पोल्स के बीच का, ठीक है? चलो तो अब देखो ध्यान से, इसका फोर्स इसके ऊपर कितना होगा, तो हम कहेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम वन इंटू एम, यहां पर पोल स्ट्रेंथ क्या है M1 into M, और M1 की वैल्यू कितनी है 1x into इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर। अब इसका फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, into 2x into 1 अपॉन आपका होगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट, ठीक है, ये एक्स कैंसिल आउट, तो अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो ये होगा आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ऊपर करो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, जब इसका होल स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू रूट 2। तो अब देखो ध्यान से यहां पर, ये ऊपर करो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू रूट 2 वाई, इसको उधर करो 1 इक्वल टू रूट 2 वाई प्लस वाई, तो आप बताओ 1 इक्वल टू वाई इंटू रूट 2 प्लस 1, तो आप बताओ इसको नीचे करोगे 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर रैशनलाइज करोगे तो कितना होगा, रूट 2 माइनस 1 का इंटू करोगे आप, इंटू डिवाइड करोगे, तो एक काम करते हैं मैं कहां पर करूं, चलो यहां देख लो जरा ध्यान से, ये लास्ट पोर्शन मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान देना, उसके बाद यहां पर देखना है आपको, तो y इक्वल टू जो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 था उसमें मैंने क्या किया, रूट 2 माइनस 1 का इंटू डिवाइड किया, इसे रैशनलाइज बोलते हैं ना हम लोग। अब बताओ 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस 1 इज 1, तो y की वैल्यू रूट 2 माइनस 1, तो अब बताओ रूट 2 माइनस 1 मतलब 1.414 माइनस 1 इज 0.414 ना मीटर, तो 0.414 मीटर मतलब 0.4 के आसपास, और 0.4 के आसपास मतलब 0.5 से कम ना, मतलब यहां पर जो आपका न्यूट्रल वाला पॉइंट आएगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा
वो इसके करीब होगा ना, और होना भी चाहिए क्योंकि ये छोटा वाला पोल स्ट्रेंथ है, ये बड़ा पोल स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, वो छोटे वाले करीब होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफोर एट अ डिस्टेंस 0.414 मीटर फ्रॉम M1 नेट फोर्स ऑन यूनिट पोल इज जीरो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल सा एग्जांपल नंबर 1। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो एग्जांपल नंबर 2 में 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड पोल स्ट्रेंथ एम आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर। यहां पर 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, ठीक है, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं, है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि पहले का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आपस में टच हो रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो ये है आपका बार मैग्नेट, ये मैंने लिया नॉर्थ और ये साउथ, ये एक और मैंने बार मैग्नेट लिया, ठीक है, ये इसका साउथ और इसका नॉर्थ। ठीक है, चलो अब उसने क्या बोला है कि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी, सॉरी, मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी सेम है, मतलब दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल हैं और दोनों परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं और इस तरीके से कि इसका नॉर्थ और इसका साउथ आपस में टच हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो आप बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। अगर इस मैग्नेट की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ, इसे मैंने M1 बोल दिया। इसकी बात कर रहे हैं साउथ टू नॉर्थ, इसको M2 बोल दिया मैंने। ठीक है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट्स दोनों के आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये आपका है M2 और ये है आपका M1। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। अब देखते हैं ये M1 और M2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ कितना है M और सेपरेशन मतलब लेंथ, दैट इज ML, और दोनों मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ और लेंथ सेम है, मतलब दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर M1 की वैल्यू भी ML और M2 की वैल्यू भी ML। ठीक, तो आप बताओ मतलब बेसिकली 2 इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो आप बताओ परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर। अब बताओ अंडर रूट ऑफ M1 की वैल्यू ML, ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर, तो ये देखो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ML स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताना M इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ML स्क्वायर, मतलब यहां पर ML स्क्वायर का रूट क्या होगा, ML, और 2 का रूट √2, मतलब √2 ML इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और अगर इसके डायरेक्शन की बात कर लेगा वो, वैसे यहां पर सिर्फ क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो, लेकिन अगर डायरेक्शन भी पूछ लेता तो मैं बता देता कि इसका डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे, है ना, M2 के साथ, मतलब यहां पर एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स अगर होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन यहां पर एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है वो, ध्यान देना। एग्जाम्पल 3 में कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स
of length 15 centimeter each and pole strength 80 ampere meter each. When separation between their north pole is 10 centimeter and that between south pole is 40 centimeter. मतलब मुझे दो मैग्नेट के बीच का फोर्स निकालना है ना, जिनका दोनों का लेंथ कितना है 15-15 सेंटीमीटर है और दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी कितना है 80 एम्पियर मीटर है. मतलब दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, है ना, उनके बीच का फोर्स निकालना है और वो मैग्नेट्स इस तरीके से प्लेस्ड हैं ताकि उनके नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर और उनके साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर. मतलब दोनों का नॉर्थ करीब में है ना, तो दोनों के नॉर्थ करीब में है मतलब यहां पर रिपल्सिव होगा ना फोर्स, तो जो भी अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो रिपल्सिव नेचर का होगा, है ना. आओ देखते हैं, यहां पर डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से. ये देखो, ये लिया मैंने एक मैग्नेट, ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये लिया मैंने एक और मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है. अब बताओ दोनों नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, दोनों साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर और दोनों मैग्नेट की लेंथ कितनी है 15-15 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये मैच भी कर रहा है 15-10-25 और 15-40, तो ये मैच कर रहा है ना बिल्कुल, ठीक है. अब देखो दोनों का नॉर्थ करीब में है तो ये रिपेल ही करेंगे ना, ठीक है, मतलब जो भी नेट फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का आएगा, देखते हैं, ठीक है. चलो अब कैसे फोर्स निकालेंगे, सुनो, देखो यहां पर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है. इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसका नॉर्थ इसके साउथ को रिपेल करेगा, फिर इसका साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इसका साउथ इसके साउथ को रिपेल करेगा. मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं, नॉर्थ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, ठीक है. मतलब यहां पर चार फोर्सेस कैलकुलेट होंगे और फिर उनका रिजल्टेड निकालेंगे हम लोग, ठीक है. चलो आप देखते हैं, एक काम कर रहा हूं मैं, इसको मैं फर्स्ट मैग्नेट मान लेता हूं और इसको सेकेंड मैग्नेट मान लेता हूं, चलेगा, ठीक है. अब देखो यहां पर पहला, इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ पे कितना रिपल्शन होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट ऑन नॉर्थ पोल ऑफ सेकेंड, ठीक है. चलो तो मैं ये फोर्स F1 मान लेता हूं. अब बताओ इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है तो दो पोल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था ना उसमें मैंने बताया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. मतलब ये M1 M2 क्या होगा, दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ, और ये R क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो इस फॉर्मूले से हम दो पोल्स के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अब आओ देखो ध्यान से, यहां पर F1 की वैल्यू मतलब इनका इनके ऊपर रिपल्शन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इसका पोल स्ट्रेंथ इंटू इसका पोल स्ट्रेंथ, दोनों का पोल स्ट्रेंथ 80 है, 80-80, तो 80 × 80 अपॉन डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 ना यार, ठीक है. चलो ऐसा कर लेते हैं, 10 × 10^-2 का स्क्वायर. अब बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, 10^-7 होती है ना, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10^-7, 4 पाई कैंसिल हो जाता है, बहुत बार पहले कर चुके हैं ऐसा हम लोग, ठीक है. तो ये आपका डायरेक्टली 10^-7 लिख रहा हूं उसकी वैल्यू, ठीक है. 80 × 80 = 6400 होल अपॉन 10^-1 का स्क्वायर 10^-2, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है. चलो अब बताओ ये 64, अब देखो 10^-7 + 2 - 5
माइनस फाइव और ये प्लस टू माइनस थ्री, इतना फोर्स होगा रिपल्सिव ना, ठीक है। रिपल्सिव मतलब मैं ये मानूं कि ये इसको रिपेल करेगा, मतलब टूवर्ड राइट मान ले, ठीक है, टूवर्ड राइट, टूवर्ड राइट मतलब हम इस फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका F1। अब मैं इस वाले नॉर्थ पोल का इस वाले साउथ पे अट्रैक्शन निकालूंगा मैं, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 25, और पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा 80 और 80, है कि नहीं। तो इसका इसके ऊपर अट्रैक्शन मैं F2 मान लेता हूं, है ना। आओ जरा देखो ध्यान से, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट ऑन साउथ पोल ऑफ सेकेंड कितना होगा, ये देखो ध्यान से, इसको मैंने F2 मान लिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ सेम ही है, दैट इज 80 × 80 होल अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इस बार होगा 25 सेंटीमीटर ना, 25 × 10^-2, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो अब बताओ 10^-7 ये हो जाएगा 6400 होल अपॉन, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं कैसे, देखो 25 × 10^-2 है ना, तो 25/100 लिख सकते हैं, और 25/100 मतलब 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16, ठीक है। ये 16 ऊपर मल्टीप्लाई, और ये दो जीरो इसमें एडजस्ट करोगे, 10^-5 हो जाएगा इतना न्यूटन, दिस इज व्हाट F2। अब मैं इसको भी इंटू नहीं करूंगा मैं, ठीक है, छोड़ दो ऐसी। अब ये बताओ ये अट्रैक्शन है मतलब टुवर्ड लेफ्ट ना, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड लेफ्ट, क्लियर। चलो ये हो गया आपका F2। नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से डायग्राम देखो वापस, अब मैं ये साउथ का अट्रैक्शन निकालूंगा इस नॉर्थ पे, तो आप बताओ जितना इस नॉर्थ का इस पे अट्रैक्शन होगा उतना ही इस साउथ का इस पे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां भी डिस्टेंस 25 है, यहां भी 25 है, तो डिस्टेंस सेम है, पोस्ट है तो सेम है ही, है कि नहीं। तो दोबारा क्यों मेहनत करनी है, हम सीधे बोल देते हैं कि इसका इसके ऊपर अट्रैक्शन वही होगा जो हमने अभी देखा F2 में, ठीक है। तो ये देखो हम ऐसा बोल देंगे, सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ साउथ पोल ऑफ फर्स्ट, साउथ पोल ऑफ फर्स्ट ऑन नॉर्थ पोल ऑफ, नॉर्थ पोल ऑफ सेकेंड, ये आपका सेम रहेगा, दैट इज F3। ये कितना कॉपी कर लेते हैं, 64 × 16 × 10^-5 न्यूटन, ये भी टूवर्ड लेफ्ट होगा ना, बिकॉज अट्रैक्टिव है, क्लियर। चलो ये हो गया आपका F3। नाउ अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, अब मैं निकालूंगा लास्ट, बस एक और चौथा फोर्स निकालना है अपन को, देखो क्या है वो, इसका साउथ इसके साउथ पे कितना रिपल्शन होगा, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना, 40 सेंटीमीटर, पोल स्ट्रेंथ तो 80-80 रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन
फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ साउथ पोल ऑफ फर्स्ट ऑन साउथ पोल ऑफ सेकेंड. ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या होगा. ये एफ फोर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम वन एम टू. अब बताओ एम वन एम टू कितना, 80 इंटू 80. ठीक है, ये देखो 80 इंटू 80 और होल अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर ना, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और इसका कितना होल स्क्वायर. चलो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना माइनस 7, ये आपका 6400. ठीक है, होल अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1. ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2. क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया 16 इंटू 4, तो आप बताओ कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 10 की पावर. देखो माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3, इतना न्यूटन. ठीक, अब ये रिपल्सिव है मतलब टुवर्ड राइट होगा, टुवर्ड राइट. ठीक, चलो अब देखना ध्यान से. यहां पर मैं अब इन सारे फोर्सेस को ऐड करूंगा लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ. अपना जो राइट वाला फोर्स है उसको पॉजिटिव मानेंगे और जो लेफ्ट वाला फोर्स है उसे नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, तो यहां पर दो राइट है और दो लेफ्ट में फोर्स है. ठीक है, कौन सी लेफ्ट में है, ये दोनों आपके लेफ्ट में है. देखो इनको नेगेटिव लेंगे और इसको और जो F1 है उसको पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ वन, पहले मैं लिख देता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. अब देखो F1 को ले रहे हैं अपन पॉजिटिव में, कितनी वैल्यू है वो 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3. F2 नेगेटिव में है, कितना है वो 64 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और F3 भी सेम वैल्यू है. ठीक है, 64 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और F3 भी नेगेटिव, 64 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस F4. F4 कितना है आपका, वही 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है कि नहीं. ठीक है, अब देखो यहां से, यहां पर इसको देखो और इसको देखो, कॉमन क्या आ रहा है 10 की पावर माइनस 3, क्या बचेगा अंदर 64 प्लस 4. अब बताओ इन दोनों, ये देखो दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों का एडिशन क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, 2 इंटू 64 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 5. चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा 68 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस ऑफ. अब बताओ यहां पर, चलो ठीक है अभी छोड़ो वैसे ही, 10 की पावर माइनस 5. अब देखो ध्यान से, यहां पर कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन ले सकते हैं क्या 10 की पावर माइनस 3, हाँ ले सकते हैं. फिर यहां से 4 कॉमन आ जाएगा ना, यस 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 क्या बचेगा यहां पर 1 और 7 17 माइनस,
कितना होगा ये, तो 4 कॉमन लिया तो 4 हो जाएगा, 4 टू 8, 8 इंटू 64 है कि नहीं, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 ना भाई, माइनस 5 में से तुमने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 2 बचेगा। चलो अब देखो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 17 माइनस, यहां पर देखो 8 इंटू 64 अपॉन, क्या मैं 100 कर दूं उसको मैं, ठीक है अपॉन में 100 लिख सकता हूं मैं, यस 416 और 425, ठीक है। तो आप बताओ 25 इंटू 17 करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग यहां पर, है ना। तो ये देखो आप ध्यान से 4 इंटू 16 सॉरी 10 की पावर माइनस 3, एलसीएम कितना आएगा 25, 25 इंटू 17, 25 इंटू 20 कितना होता है यार 500, 500 में से 75 कम कर लो कितना 425, ठीक है 425, ठीक है माइनस, ये तो इंटू वैसे ही होगा आपका 8 6 48 84 और ये 12 128, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 425 माइनस 128, तो ध्यान देना नेट फोर्स इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 425 माइनस 128 कितना होगा, 15 में 8 गया 7, ठीक है फिर 1 11 में से 2 गया 9, फिर 3 3 में से 1 गया 2, 297 अपॉन 25। अब देखो यहां पर 4 7 सा 28 8 2 36 2 38 3 और ये 11 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो 25 इंटू 4, ठीक है ये हो गया 100, 18 188, 25 इंटू 7 ठीक है 175, 5 और 8 13, ठीक है 13, 130 मतलब 5, फिर 50 मतलब 2, 10 की पावर माइनस 3 मतलब आंसर आएगा 0.04752 न्यूटन, और ये पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव होगा ना, ये पॉजिटिव है मतलब टुवर्ड राइट वाला फोर्स होगा मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा ना, ठीक है। तो इतना फोर्स से वो मैग्नेट रिपल करेंगे, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये था आपका सिंपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां पर सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, बाकी काम तो आसान है ना, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल, ये ओवर होता है ना। तो हमने देखा कि क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। चलें तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, अपना क्लास सेलेक्ट करो, आप वहां पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जैसे आपने सेलेक्ट किया मान लो फिजिक्स, जैसे क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी यहां पर, ठीक है। फिर जो भी पढ़ना है आपको उसको क्लिक करें, उसके बाद उनके टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, फिर जो भी आपको टॉपिक्स देखने हैं उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, मतलब इतना प्रॉपर फिल्ट्रेशन में आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।